ओम नमः शिवाय। दोस्तों, श्री कृष्णा टूर एंड ट्रेवल्स में आपका स्वागत है। एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ सूर्य भगवान के दर्शन करते हुए सुबह सुबह का सुनहरा मौसम, आइए आज आपको लिए चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगली वीडियो आपके लिए गणेश गुफा की लेके आएंगे। जी हाँ, प्राकृतिक रूप से बनी हुई गणेश गुफा आप देख सकते हैं। झिलमिल गुफा के सामने से हम निकल रहे हैं, ये कच्चा रास्ता आगे जाएगा। स्वयंभू प्रकट श्री गणेश भगवान जी का मंदिर, वहाँ पे आपको लिए चलते हैं। सुबह तकरीबन 6:30 बजे का समय है दोस्तों। पक्षी चहचहा रहे हैं, बहुत आनंद इस वातावरण में जो घुला हुआ है शायद ही कहीं पे हो। आगे रास्ता तो सारा जंगल का है, लेकिन जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो हम गणेश मंदिर गणेश गुफा की लेके आएंगे, ऋषिकेश कदलीवन और आप देख सकते हैं सुबह सुबह का बिल्कुल सूर्य उदय होते हुए। आइए अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मणिकूट पर्वत और आगे हम चलते हैं गणेश गुफा की तरफ। जय श्री गणेश। दोस्तों, अब हम नीलकंठ के पास से जो रास्ता जाता है झिलमिल गुफा के लिए, वहीं से एक रास्ता जाता है श्री गणेश जी महाराज गणेश भगवान की गुफा की ओर। यहाँ पर गणेश भगवान की गुफा है, आइए आपको दर्शन कराते हैं। इन पहाड़ों की वादियों में गणेश भगवान के दर्शन गुफा के अंदर। ये हमारे साथ हमारे टीम के मेंबर सुनील जांगड़ा जी आपको कुछ बताएंगे। और देखिए कितना अद्भुत नजारा है प्रकृति का। आपको बादल दिख रहे हैं पहाड़ों के बीच में, बहुत ऊंचाई पे आए। ये आपको कुछ बता रहे हैं हमारे टीम के मेंबर। ये देखिए उस साइड में एक बार आप बादल दिख रहे हैं पहाड़ियों के बीच में, बहुत ज्यादा ऊंचाई है। और जिस रास्ते से हम आए हैं कल, बहुत ही उबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता है, बल्कि चोट भी लग सकती थी, एक बार बच गए थोड़ा सा। मतलब बहुत रहस्यमय आप एरिया है ये जहाँ पे हम आए हुए हैं। ऊपर पहाड़ी पे रामदेव जी ने बहुत जगह ली हुई है वहाँ पे, और उम्मीद है कि कुछ दिनों में यहाँ आने का रास्ता पक्का हो जाएगा। अभी कच्चा रास्ते से ही हम आए हैं। वो बादलों के बीच में देखिए पहाड़ कैसे नजर आ रहे हैं और पहाड़ों के बीच में बादल कैसे दिख रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गणेश गुफा की तरफ। हमारी टीम का एक मकसद है कि जहां जहां पर भगवान ने अपना स्थान बनाया है, जहां पर भगवान रहते हैं, उनको आप तक पहुंचाना, आपको उनके दर्शन कराना। देखिए कैसा रास्ता है, इस रास्ते से हमारी पूरी टीम यहाँ से जाती है। ये देखिए दोस्तों, कितना खतरनाक जंगल, भरे जंगल से निकलते हुए रास्ता, बहुत उबड़ खाबड़ है। यहाँ पे पैर फिसलने का भी बहुत खतरा है। अगर पैर फिसल जाए तो आपको पता है, मैं आपको एक बार दिखा दूं के बंदा, मेरे ख्याल से ये देखिए खाई, देखिए कितनी गहरी खाई है, कहीं तक भी नजर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ये हमारी टीम के साथ।
ऊपर जहां तक भी आपकी नजर जाएगी घना जंगल है और ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा यहाँ पे बना रहता है। धीरे धीरे रास्ते बन रहे हैं और हो सकता है आगे आपको अच्छा रास्ता मिले, लेकिन अभी तो यहाँ पे देखिए ये हमारी टीम के मेंबर अभी गिरते गिरते बचे हैं। पहले भी इनकी टांग पे चोट लगी हुई है, पीछे भी गिर गए थे। बहुत खतरनाक रास्ता है, संभल के चलिए। लेकिन यहाँ पे प्रकृति का जो अद्भुत नजारा जो बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेगा, आपके मन को संतुष्टि मिलेगी यहाँ पे आने के बाद। बिल्कुल हम पहुंचने वाले हैं। देखिए कितनी ऊंचाई पे हम खड़े हैं और बिल्कुल हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी गुरुजी ने बताया कि यहाँ पे मंदिर में साफ सफाई हो रहा है, अभी थोड़ी देर में दर्शन के लिए चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कितनी ऊंचाई पे हम खड़े हैं। ज्यादा ऊंचाई है और ये पहाड़ों का नजारा देखिए। ये पहुंच गए हमारी टीम के सदस्य गणेश मंदिर प्रवेश द्वार। गणेश भक्तों, अभी हम गणेश महाराज के मंदिर में पहुंच चुके हैं, आपको दर्शन कराते हैं, सुबह की आरती आपको भी दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। तो चलिए भक्तों, अभी आगे बढ़ते हैं हम गणेश गुफा के अंदर भगवान गणेश के दर्शनों के लिए। उससे पहले नंदीगण और भगवान शिव यहाँ पे विराजमान है। इनके दर्शनों के बाद जैसे ही हम आगे गुफा में बढ़ते हैं तो सामने अंदर जाते ही हवन कुंड है, जिसमें महात्मा जी हर रोज यज्ञ करते हैं। और जो सामने आप देख पा रहे हैं गणेश गुफा में विराजमान भगवान श्री गणेश, आइए बाबा बालकदास जी से इनके प्राकट्य के बारे में जानते हैं। इनका प्राकट्य कब हुआ है इस विषय में किसी को मालूम नहीं है। बताया जाता है कि प्राचीन काल से खुदाई में निकला गया था। यहाँ पे आपको उत्तराखंड की देवभूमि पर जितने भी पर्वत मिलेंगे सभी अपने आप में अलौकिक और दिव्य है। ये सभी देवभूमि है। ओम सर्व मंगल मंगले शिव सर्वाधि साधक श्रेणि पंकज गौरी नारायण नमस्ते सर्व स्वरूप सर्व सर्व सत्य समित जय नमस्ते मति गति के लिए नमस्ते। आप देख पा रहे हैं साक्षात श्री गणेश भगवान स्वयंभू प्रकट। और ये गणेश गुफा ज़्यादा अंदर तक हम दिखा नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। सुबह सुबह तकरीबन 7:15 के आसपास का समय है। मंत्र उच्चारण से श्री गणेश भगवान की पूजा की जाती है। उसके बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें श्री गणेश भगवान जी की आरती में शामिल होने का। हमारी टीम के साथ जो भी हमें रास्ते में कष्ट हुआ था, कठिनाई हुई थी आने में, यहाँ पे श्री गणेश भगवान जी के दर्शन मात्र से ही सारी थकान दूर हो गई, सारी कठिनाई दूर हो गई। आते हुए बहुत लग रहा था पता नहीं पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे या रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, लेकिन श्री गणेश भगवान के आशीर्वाद से हम ठीक ठाक यहाँ पे पहुँचे और आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तों, उत्तराखंड को देव भूमि या ऋषियों की भूमि इसीलिए कहा जाता है। यहाँ पे आपको
हर एक जगह भगवान के विराजमान होने के साक्ष्य प्राप्त होंगे। भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल श्री कृष्णा टूर एंड ट्रेवल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर एंड डियर तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले और वो भी श्री गणेश भगवान के दर्शनों के लिए आएँ, पार्वती मंदिर देखने के लिए आएँ और झीलमिल गुफा, जो एक चमत्कारिक गुफा है, वह घूमने के लिए आएँ, महात्मा जी के दर्शन करने के लिए, उनके आशीर्वाद लेने के लिए। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा दोस्तों।